Hello friends, welcome back to my channel Bonsai Hunter. In the workshop we have got a landscape for you. We have created this landscape from a Z. We have created something from nothing. दोस्तों हमारी ये जो लैंडस्केप है इसके अंदर हमने दो फिगराइन का उपयोग किया है, एक हमारा फिशरमैन है, साथ ही साथ चूंकि ये वाटर पेंजिंग है इसलिए हमने इसके अंदर एक क्रोकोडाइल का भी उपयोग किया है। यहाँ पे हमने पानी को दिखाने के लिए ब्लू कलर नहीं किया है। ये जो एरिया है ये सी को रिप्रेजेंट करता है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और इसके ऊपर ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक आइलैंड की तरह है जिसके ऊपर एक जेड का प्लांट है। ये जो जेड प्लांट है ये एक नेगलेक्टेड प्लांट पड़ा हुआ था और हमने इसका उपयोग करके एक खूबसूरत सी लैंडस्केप बनाई है। फ्रेंड्स, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि हमने इस खूबसूरत लैंडस्केप को कैसे बनाया है। हमारे पास में है एक मार्बल स्लैब जिसके ऊपर हम रॉक्स को लगाने वाले हैं, साथ ही साथ हम जेड को इसके ऊपर लगाने वाले हैं। हमने 50-50 रेशो में सीमेंट और सैंड लिया है ताकि पकड़ मजबूत रहे। दोस्तों सीमेंट में पानी धीरे धीरे मिलाएं, ज़्यादा गीला पेस्ट न बनाएं वरना आपको रॉक्स को पेस्ट करने में दिक्कत आएगी। दोस्तों पेस्ट हमारा रेडी है, आइए चिपकाते हैं रॉक्स को। ये है हमारा मार्बल का स्लैब, ये वाइट मार्बल का स्लैब है। इसके ऊपर हमने कुछ रॉक्स का सिलेक्शन किया है, हम कुछ रॉक्स लगाएंगे, एक लैंडस्केप पेंजिंग की तरह इसे बनाएंगे हम। ये जो रॉक्स हैं इनसे हम एक कैविटी क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम हमारे प्लांट को लगाएंगे और इन रॉक्स को हम सीमेंट से यहाँ पे ग्लू करेंगे। ये हमने प्री डिसाइड कर लिया है कि हम यहाँ पे एक कैविटी क्रिएट करेंगे, हम रॉक्स को पहले लगाएंगे और प्लांट को बाद में। तो दोस्तों हमने हमारा मार्बल स्लैब के ऊपर रॉक्स को सीमेंट से ग्लू करने का काम कंप्लीट कर लिया है। एज यूजुअल जेड के लिए जो बेस्ट सॉइल कंपोजिशन है वह वर्मी कंपोस्ट, सैंड और ग्रिट है, तो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे प्लांट को पॉट करने के लिए। अब हम इसको कवर करने वाले हैं मॉस से। अगर आप भी इस तरीके से मॉस परचेज करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप भी अपने नेगलेक्टेड पड़े प्लांट्स को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं एक शानदार पेंजिंग में, एक लैंडस्केप में। सो फ्रेंड्स दैट्स फॉर टुडे, गुड बाय।